अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चा। हमारे पास बेटा आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास कौन सा, वो बेटा हम लोगों ने पढ़ना है करेक्शन, सॉरी करेक्शन ऑफ एरर्स बोल रहा बेटा। हमने पढ़ना है मेरे बच्चों ये क्या कहते हैं इसे, अपना जो आपका बेटा प्ले है ना वो पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग मेरे बच्चों। और हमने पेज नंबर 11 तक पढ़ लिया था, और मैं थोड़ा सा ज़रा इसको जल्दी जल्दी से आप लोगों को रिमाइंड करवाता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ कि मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा क्या था बेटा। हम लोगों ने बेटा ये पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास कि सबसे पहले जो एल्बर्ट होता है अपनी माँ के साथ, मतलब कि मैं स्टार्टिंग से जो जहाँ से पेश शुरू हुआ था ना वहाँ तुम लोगों को जरा पूरा पूरा समराइज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को याद आ जाए पूरा पूरा। मेरे बच्चों इस पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्बर्ट अपनी माँ से, मतलब कि अपने घर पे मौजूद होता है, अपनी माँ से बात कर रहा होता है, उसको पूरा बताता है कि किस तरह से जो अखबार में दो अलग अलग पब्लिश चीजें हुई थी कि उसके बाप ने क्या किया था। भाई उसके बाप ने ये किया था कि 1823 में उसके बाप ने क्या किया था, तुर्क जो थे, जो तुर्की के रहने वाले थे, जब 1823 में रिश्वत ली थी, कब, जब वो मतलब उसके बाप काउंट ऑफ मॉर्सेफ फ्रेंच आर्मी में कैप्टन थे और फोर्ट्रेस ऑफ यंजीना उनके सरेंडर कर दिया था। और कहते हैं कि जब ये पब्लिश हुआ तो मतलब फादर पे इल्ज़ाम लगा और मतलब कि उन पर फिर वो केस भी बनाया गया। केस बना तो उन्होंने मतलब कि इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि मतलब कि सबको भरोसा हो गया कि नहीं यार शायद ये जो है ना मतलब कि क्या है किसी को मिस्टेक हुई है, शायद वाकई में ऐसे नहीं है। लेकिन कह रहे हैं क्या हुआ कि आखिरी आखिरी लम्हों में क्या हुआ कि एक एक गवाह आई, एक औरत थी जो कि उस वक्त वहाँ मौजूद थी जिस वक्त मतलब के फोर्ट्रेस वगैरह क्या था, मतलब के वहाँ पर रिश्वत ली गई थी और वो प्रूफ लेके आई थी। और कह रहे हैं कि ये सबूत देखने के बाद ये बात पक्की हो गई कि हाँ एल्बर्ट के बाप ने वाकई में रिश्वत ली थी और गद्दारी करी थी अपने मुल्क से, और फिर ये डिसाइड हुआ कि ये गद्दार है। और उसकी जब ये डिसाइड हुआ तो वहां से वो भाग पड़े। फिर काउंटेस बोलती है बेटा तुम क्या करोगी, तो एल्बर्ट बोलता है मैं क्या करूंगा, मैं दरअसल अपना नाम वगैरह चेंज करके यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये काम करूंगा कि जिस किसी ने हमारे साथ ये किया है मैं उसको जान से मार दूंगा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा किसको मारोगे तुम, जिन्होंने केस किया है? कह नहीं, उनको थोड़ी मारने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसको यकीन मेरे बाप के पास के बारे में पता है और मैं उसको ढूंढ के मारूंगा। तो काउंटेस बोलती है बेटा वो है कौन? कहता है भाई मुझे कैसे बता, मैंने जो बिशम है मेरा दोस्त उसको मैंने काम पे लगाया हुआ है, अगर वो फेल होगा तो फिर मतलब मैं बोलूंगा। अच्छा अब क्या होता है मेरे बच्चों जरा यहाँ पर ना ध्यान सुनो कि तो उसकी माँ बोलती है बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बाप ने गलत काम किया है और उनके उस गलत काम को कोई बंदा सामने लेकर आया था पब्लिक के, तो बेटा ये उसकी गलती थोड़ी है, ये तो गलती तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप ने गलत काम किया है, तो वो बंदा जो सामने लेकर आ रहा है उसको पनिश करने का क्या दुख बनता है, ये सही बात थोड़ी है। तो एल्ब्रा बोलता है ये अब सही और गलत की बात नहीं है, ये अब बात ये है कि उसने क्या किया है, हमारे साथ गलत किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो काउंटेस बोलती है अच्छा भाई तुम उस आदमी को ढूंढोगे कैसे? तो एल्बर्ट बोलता है मैंने बिशम को काम पे लगाया है, अगर बिशम फेल हो गया, और कह रहा है बिशम को मैंने इसलिए काम पे लगाया है कि जो दो अलग अलग न्यूज़पेपर थे ना जिसमें पब्लिश हुआ था उनमें से एक न्यूज़पेपर वही है जो वहाँ पर मतलब यहाँ पर मतलब कि बिशम काम करता है, इसलिए मैंने उससे हेल्प ली है, उससे हेल्प मांगी है। तो वो कह रहा है कि अगर बिशम भी का नाकाम हो गया तो फिर मैं हेल्प लूंगा किससे, काम का मोंटेग्यू से हेल्प लूंगा। तो काउंटेस बोलती है हाँ बेटा वो तो तुम्हारे लिए इतने अच्छे दोस्त भी हैं तुम्हारे, तुम्हें सपोर्ट भी करते हैं, तुम्हारा साथ भी देते हैं, तुम्हारे लिए फादर फिगर भी हैं बेटा, बल्कि तुमने डायरेक्ट उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी, काउंट से मोटी की क्यों नहीं मांगी? तो फिर एल्बर्ट बताता है कि मदर आप शायद एक बात भूल रही हैं कि जब ये मामला हुए थे उस वक्त मैं मोंटी क्रिस्टो के साथ ही वेकेशन पे गया हुआ था नॉर्मेंडी। कह रहा आप शायद ये बात भूल रही हैं, और कहता है कि हम लोग मतलब कह रहे हैं कि पैरिस में मौजूद नहीं थे वो, और कह रहे हैं इसके साथ साथ कहते क्या बोलते कहते हैं कि मैं मुझे वापसी इसलिए आना पड़ा क्योंकि जब मुझे पता चला कि फादर के साथ क्या हुआ है, खैर काउंट ने प्रॉमिस किया था वो वापसी भी आते हुए मतलब मुझसे मिलते हुए जाएंगे। कह रहे हैं क्या बताऊँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़े ही ना, क्या बताऊँ मैं पहले से ही तमाम मामला खुद ही डील कर लूँ। कह रहा हो सकता है कि मैं तमाम मामला खुद ही डील कर लूँ, सेट है। अच्छा भाई अब क्या होता है मेरे बच्चों कि हमारे पास यहाँ की अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब मोंटेग्यू की एंट्रेंस होती है, वो बात करता है, वो उससे बात करता है, मोंटेग्यू भी सलाम दुआ करते पहले काउंटेस से, फिर मोंटेग्यू मुड़ता है एल्बर्ट की तरफ और वो बोलता है भाई क्या हुआ, तो मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी तक परेशान हो। तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि अभी तक जो है, एल्बर्ट बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि अभी तक जो है तुम्हारे जो क्या दो बोलते हैं ना, मैं देखता हूँ कि अभी तक मतलब कि या सॉरी माय मिस्टेक, एल्बर्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से कि शायद मतलब कि आपको पता ही चल चुका है कि मतलब क्या हुआ मेरे मेरे बाप के साथ, मुझे आपको बताने की जरूरत तो ही है। तो मोंटेग्यू बोलता है कि हाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ है,
और मैं ये भी जानता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे बाप के साथ हुआ है वो डिजर्व भी करता है। खैर एल्बर्ट, तुम ये बताओ तुम करोगे क्या? मेरे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था बेटा, अब हम जरा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अब जरा ध्यान से यहाँ पर बात सुनो। अच्छा जरा मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को जरा तुम लोग फिर समझो। ठीक है, एल्बर्ट यहाँ पे बोलता है कि मेरा प्लान क्या है, कह रहा मेरा पहला प्लान ये है कि मैं अपने दुश्मन को ढूंढूं और फिर मैं अपनी फैमिली का बदला लूं। तो मॉन्टी क्रिस्टो आगे यहाँ पे बोलता है, थोड़ा सा तंजिया बोलता है, कहता है अच्छा फैमिली का बदला लोगे, अच्छा भाई ठीक है। कह रहे हैं तुम अपने उस बाप का बदला लोगे जो कि ना तुम्हारे लिए अच्छा बाप साबित हुआ, ना तुम्हारी माँ के लिए अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, और तो और उसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी भी करी। तुम एक ऐसे शख्स के बारे में तुम बदला लेने का बोल रहे हो, अच्छा भाई ठीक है, बताओ कौन है वो शख्स जिसे तुम बदला लेना चाहते हो। तो एल्बर्ट बोलता है हाँ काउंट, यही तो बात है, मुझे आपकी इसमें हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस किसी ने मेरे बाप के साथ ये किया है ना, ये वही बंदा है जिसने न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट पब्लिश करवाई थी, मुझे उसका नाम ढूंढना है। कह रहे क्या पता मुझे आपकी हेल्प की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बिशप ने प्रॉमिस किया है और मेरे ख्याल से वो शायद बहुत करीब है दुश्मन को ढूंढने में। तो मोंटी क्रिस्टो आराम से पूछते, कहता मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपने दुश्मन को ढूंढ लोगे तो तुम करोगे क्या? तो एल्बर्ट बोलता है आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है मैं उसको चैलेंज करूंगा, और आप बताएं क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे? मेरे बच्चों ये जो लाइंस है ना, इसका मतलब पहले समझ लो, चैलेंज करूंगा का मतलब क्या है कि मैं ड्यूलिंग के लिए चैलेंज करूंगा। मेरे बच्चों ड्यूल का मतलब होता है फाइट करना, लड़ाई करना। अब लिखिए ड्यूलिंग होती किस तरह की है, इसके तीन रूल्स हैं, आगे आके आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी समझ लोगे तो तुम लोगों को आसानी से समझ में आएगा। बेटा ड्यूलिंग के रूल्स क्या हैं कि नॉर्मली क्या होगा भाई कि चैलेंज का एक्सेप्ट होना लाजमी है। अगर किसी ने किसी को चैलेंज किया और सामने वाले बंदे ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप ड्यूल आपस में नहीं लड़ सकते, जबरदस्ती नहीं लड़ोगे। सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो लड़ोगे, वरना नहीं लड़ोगे। इस बात को अपने जहन में रख लो, ये बात याद रखना, सेट है? अच्छा भाई इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई पहला रूल हो गया, तो सेकंड रूल क्या है मेरे बच्चों? सेकंड रूल ये है कि बेटा जिसको चैलेंज किया गया है, वेपन्स वो सेलेक्ट करेगा कि ड्यूल की जो फाइट होगी वो किन हथियारों से होगी। अब चाहे वो डंडे सेलेक्ट कर ले, तलवारें सेलेक्ट कर ले, पिस्टल सेलेक्ट कर ले, कुछ भी कर ले। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि बेटा अपने जहन में एक आइडिया रख लेना कि ये कितने पुराने जमाने की बात हो रही है, क्योंकि 1823 में तो इसके बाप पे इल्ज़ाम लगा था। चलो 20-25 साल गुजर चुके होंगे, तब भी मतलब कि 1850 वगैरह की बात कर लो भाई, इससे ज्यादा टाइम थोड़ी गुजरा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना? अच्छा भाई इसके बाद क्या हुआ? तो पहला रूल क्या है मेरे बच्चों कि जिसको मतलब चैलेंज का एक्सेप्ट होना। सेकंड रूल ये है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो क्या करेगा, वो वेपन सेलेक्ट करेगा। और बेटा थर्ड रूल हमारे पास ये है कि वेपन सेलेक्ट करने के साथ साथ वो पहला हमला भी करेगा, मतलब कि जिसको चैलेंज किया जाएगा, नंबर वन रूल वो चैलेंज को एक्सेप्ट करे तब फाइट होगी वरना नहीं होगी, नंबर टू रूल जिसको चैलेंज किया गया है वही क्या करेगा, वो हथियार सेलेक्ट करेगा, और वो जो हथियार सेलेक्ट करेगा दोनों को उसी से लड़ना पड़ेगा। तलवारें सेलेक्ट करी तो दोनों के पास तलवारें होंगी, सेट है? और थर्ड रूल क्या है मेरे बच्चों? थर्ड रूल बेटा ये है कि मैंने कहा था ना कि पहला अटैक भी कौन करेगा, जिसको चैलेंज किया गया, ये बात याद रखना। अच्छा अब देखो ड्यूलिंग की ना कुछ तरीके होते हैं, मतलब ड्यूलिंग मेरे बच्चों अलग अलग तरह की हो सकती है। क्या पता ड्यूलिंग में आपने ये शर्त रख दी कि हम तब तक लड़ाई करेंगे जब तक हम में से कोई एक बंदा गिर नहीं आता, या जिसका पहले खून, या जगह पहले खून किसी का निकल गया बस वो हार गया, क्या पता ये वाली, मतलब डिपेंड करता है कि भाई आप लोगों ने किस किस्म की मतलब के शर्त रखी हुई है, आप लोग मतलब के क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि भाई क्या पता आप टू द डेथ फाइट ना करो। लेकिन अक्सरियत जो ड्यूलिंग हुआ करती थी वो टू द डेथ की फाइट हुआ करती थी। और यहाँ जो एल्बर्ट मोंटी क्रिस्टो से बोल रहा है कि विल यू बी माई सेकेंड, क्या आप मेरे सेकेंड बनोगे? मेरे बच्चों देखो सेकेंड हमारे पास एक तो होता है घड़ी वाला सेकेंड जो होता है, जो सेकेंड बढ़ रहा होता है, फिर 60 सेकेंड बन के एक मिनट बनाते हैं वो सेकेंड अलग है, और एक सेकेंड होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला सेकेंड वो अलग है। यहाँ पर सेकेंड का मतलब ये है ड्यूलिंग पार्टनर,
मतलब कि जो फाइट करने के लिए जो मेन बंदा जा रहा है ना, उसके साथ जो उसका पार्टनर होता है वो कहलाता है सेकंड। अब यहाँ पर जब एल्बर्ट बोलता है कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे, तो मेरे बच्चों मोंटी क्रिस्टो का बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब, और इस पॉइंट से इसकी पर्सनैलिटी बहुत झलकती है, जो इसका स्टाइल है अपना। मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि नहीं भाई, ये थोड़ा मुश्किल होगा, मैं तुम्हारा सेकंड मतलब सेकंड नहीं बनूंगा, वो इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी राय क्या है ड्यूलिंग के बारे में, और मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ ये वाली बात जब हम रोम में थे, कि अगर किसी इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें तंग किया है, तुम्हें मजबूर किया है कुछ, तो ठीक है, तब तो तुम ड्यूलिंग वगैरह करके मामला को सुलझा लो। लेकिन फिर उस फिर एल्बर्ट की तरफ देखते हैं, बोलता है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मतलब ऐसा गलत किया है कि तुम उस चीज को याद कर करके ही टॉर्चर में आ जाओ, खुद को टॉर्चर करो, तो कह रहे हैं कि ऐसे बंदे के लिए पनिशमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि ड्यूलिंग करो और जान से मार दो, क्योंकि देखो उसको तो आपने जान से मार दिया, सामने वाले बंदे को आपने जान से अगर मार भी दिया तो आपकी तकलीफ में कमी थोड़ी आएगी, ना ही ऐसा होगा कि आपको सुकून आ जाएगा, वो तो मर गया, मतलब जो तकलीफ आपको पहुंच रही थी उसकी तकलीफ तो कुछ मिनट्स की होगी, जब आप जान से मार रहे होगे, मर जाएगा उसके बाद वो, लेकिन आप क्या हो गया, आप पल पल तड़पोगे। सही है, ये बताना चाह रहा होता है क्या मोंटी क्रिस्टो के, देखो छोटे मामला तो तब तो कर लो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है तो फिर ड्यूलिंग मत करो, बल्कि जिस तरह से उसने आपके साथ गलत किया है आप भी क्या करो उसके साथ, वैसे ही उतना ही बुरा करो, उसको टॉर्चर दो ताकि वो फील करे। और आगे से मोंटेग्यू उसको क्या बोलता है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, दैट इज अ रूल आई फॉलो, मतलब कि वो नहीं बोलते ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब ये वाला हिसाब किताब कि जो सामने वाला जैसे कर रहा है उसके साथ वैसा करो, तो ये यानी कि ये मना कर देता है कि मैं तुम्हारा सेकंड पार्टनर नहीं बनूंगा। एल्बर्ट बोलता है लेकिन कम से कम मेरी मदद तो करेंगे ना उस बंदे को ढूंढने में, तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है वो उसके लिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें तसल्ली दिलाता हूँ कि तुम्हारा जो दोस्त विषम वो आराम से उस बंदे को ढूंढ लेगा। खैर यहाँ तक बोलने के बाद क्या होता है कि मोंटी क्रिस्टो जो अभी तक एल्बर्ट से बात कर रहा था अब मुड़ता है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ की तरफ, और काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ की तरफ मुड़ने के बाद मेरे बच्चों क्या बोलता है कि कह रहा है कि मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस यहाँ पर यही करने के लिए आया था कि एल्बर्ट वगैरह से मिलने के लिए आया था, जब मुझे पता चला था इसके साथ क्या हुआ है तो बस मैं इजाज़त चाहता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो काउंटेस अचानक से खड़ी हो जाती है, कहती नहीं नहीं ये क्या बोल रहे हैं आप अभी तो आए हैं, आपने तो अभी तब ये बोलते ना अभी तो आपने कमर तक सीधी नहीं करी, आप बैठिए बैठिए आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का मतलब के बंदोबस्त करती हूँ, काइंडली आप बैठिए। तो मोंटी क्रिस्टो बोलते नहीं माजरत मैडम, बस मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रुकता, मैं बस एल्बर्ट से मिलने के लिए आया था, तो यही वजह थी। और कहते हैं एल्बर्ट को बोलता है ऑरेवर मतलब गुड बाय, और बोलता है कि याद रखना मैंने तुम्हें क्या बोला है, और तुम किसी मतलब अपने जो ड्यूलिंग वगैरह वो सोचना, क्योंकि एक ऐसा टॉर्चर करना सामने वाले को कि वो तरफ तरफ के मरे ये करना। और फिर क्या होता है वो काउंटेस की तरफ मुड़ता है, उसका हाथ चूमता है, वहां से फिर चला जाता है। काउंटेस बोलती है कितनी अजीब बात है, एकदम अजीब बात है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों एब्रा बोलता है वाकई में अजीब बात है, भला इनको क्यों मेरी ड्यूलिंग करने से प्रॉब्लम हो रही है। तो काउंटेस बोलती है मैं ड्यूलिंग के बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं ये सोच रही थी एल्बर्ट कि क्या बेटा तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि आज तक जितनी मर्तबा भी मोंटी क्रिस्टो हमारे घर पे आए हैं कभी कुछ खा के नहीं गए, हालांकि मैंने उनको इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी शदीद इल्तिजा करी, लेकिन आज तक हमारे घर पे कभी कुछ खाकर नहीं गए, ये काउंटेस बोलती है। तो एल्बर्ट जो बोलता है कहता है कि जो जो अचानक से आगे पीछे में टहल रहा था वो क्या बोलते, कह रहा हाँ ये बात तो सही है, ये तो मैंने भी अब नोट किया जब आपने मेंशन किया है। खैर तो आगे से काउंटेस बोलती कहती तुम्हें पता है ये अरब का रिवाज है, अरब का कस्टम है कि अपने दुश्मन के घर पे कभी भी खाना नहीं खाया जाए। तो आगे से एल्बर्ट क्या बोलता है, कहता है मदर क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही है भला, मोंटी क्रिस्टो आपको कहाँ से लग रहा है कि हमारे दुश्मन है। तो काउंटेस बोलती है बेटा पता नहीं क्यों अचानक से मेरे जहन में एक अजीब सा ख्याल आ गया था तो मेरे मुंह से निकल गया, हाँ वाकई में बेटा तुम सही बोल रहे हो, एक ऐसा बंदा जिसने हमारे साथ इतना बेहतर अच्छा बर्ताव किया है, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारी जान भी बचाई है।
याद रखे उन्होंने तुम्हारी जान भी बचाई है, और उसके बावजूद मतलब अब क्या होता है, उनका जो सेंटेंस होता है ना बेटा, वो आधा ही रह जाता है, क्योंकि उसी वक्त दरवाजे खोलते हैं और काउंट ऑफ मॉर्सेफ मतलब कि एल्बर्ट के बाप की एंट्रेंस होती है। अच्छा मेरे बच्चों, मैं पढ़ाता यूं जा रहा हूँ, मुझे जरा, मैं नॉर्मली दरअसल इस तरह पढ़ा रहा था कि रीड करवा रहा था, काइंडली जरा आप लोग मुझे बता दो कि इस तरह समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैंने ये तो पूछा ही नहीं तुम लोगों से, मैं पढ़ाना शुरू हो गया, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो रीडिंग करवा रहा था, मैंने कहा क्या तो कोई बच्चा माइक पर आता है, कोई माइक पर नहीं आता, इसलिए बोल रहा था, मैंने कहा मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट। भाई बता दो इस तरह समझ में आ रहा है, किसी को कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बता दो मुझको, क्योंकि दो ही बच्चों के मैसेज आए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बस सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, बस सही है सही मेरे बच्चों, जरा ध्यान रखो ठीक है। अब जरा यहाँ से मेरे बच्चों तुम लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि अब क्या हुआ, अब दरवाजे खुलते हैं, अब आता है एल्बर्ट का बाप अंदर, काउंट ऑफ मॉर्सेफ। तो मॉर्सेफ आते साथ पूछता है अपनी बीवी से, काउंटेस से, कि हाँ भाई क्या आप लोगों को पता चल गया मेरे साथ क्या हुआ है? तो काउंटेस बोलती है हमें क्या, पूरे पेरिस को पता चल चुका है, हम ही की बात कर रहे हैं आप? तो कहता है खैर हम कौन से, कोई इतना अच्छे हमारे ताल्लुकात थे तो कौन से हमारे ताल्लुकात और मतलब के बुरे हो जाएंगे, वैसे ही बुरे ताल्लुकात हम लोगों के। तो फिर बोलता है खैर छोड़ो ये बताओ अभी कौन हमारे घर से गया है, क्योंकि मैंने किसी की भग्गी जाते हुए देखी है, इस मतलब के घर से जाते हुए देखी है, मतलब कौन था? तो कोई अभी आया था? बेटा एक मिनट रुकिएगा, एक्सक्यूज मी। आगे से वो बोलता है कि क्या कहते हैं, तो बोलता है कौन आया था, कह रहा है कि काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो आया था, कह रहा है ओहो, कह रहा है मोंटी क्रिस्टो, कह रहा है वही भाई साहब जो मतलब के बड़े मशहूर चल रहे हैं भाई। तो कह रहा है खैर क्या करने आए थे यहाँ पर? तो बोलता है भाई मतलब कह रहे हैं दरअसल वो यहाँ पे मिलने के लिए मुझसे आए थे, क्योंकि मैं रिसेंटली उनके साथ नॉर्मेंडी गया हुआ था छुट्टियाँ गुजारने के लिए, और जब मैं पेरिस में था तो मुझे मतलब कि आपके ये दो मरतबा योर लिखा हुआ है ना, अब वो ये अपने बाप को इतना ये तो नहीं कहेगा ना मेरे बच्चों कि आपने जो गद्दारी करी। फिर वो क्या बोलता है अबाउट योर आफ्टर योर योर अफेयर, मतलब जब आपके मतलब कि मुझे मामलात के बारे में पता चला, मतलब कि वो थोड़ा चेंज करके बोल देता कि जब आपके मामलात के बारे में पता चला तो उस चक्कर में दरअसल क्या हुआ, मुझे दरअसल वापसी आना पड़ा। तो मोर्सेफ बोलते हैं हाँ मेरे मामलात, अब उसको भी पता होता है, वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मोर्सेफ ने गलती करी है, उसके बाप ने गद्दारी करी थी। अब एल्बर्ट बोलता है कि बस अब इंतज़ार है बिशम का कि बिशम वापसी आए, जल्दी से आए और कुछ ना कुछ अच्छी रिपोर्ट लेकर आए। अच्छा अभी ये बोल ही रहे होते हैं कि फ़ौरन से क्या होता है मेरे बच्चों, जो वहाँ पर खड़े होते हैं ना मैरिज वगैरह, वो अनाउंस करते हैं, क्या अनाउंस करते हैं, मॉन्सियर मिशम। बिशम उसी वक्त एंटर होता है और उसकी हालत देख के लग रहा है, उसकी ड्रेसिंग देख के लग रहा है कि वो ठीक ठाक थका हुआ है, बहुत दूर से आ रहा है, और बस आते साथ क्या होता है, डायरेक्ट वो कुर्सी पे बैठ जाता है, मतलब कि किसी से सलाम दुआ नहीं करता, पहले कुर्सी पे बैठ जाता है। और बिशम बोलता है मैं माजरत चाहता हूँ काउंटेस एंड यू सर एंड यू टू एल्बर्ट, कि मतलब कि मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपरली तौर पे सलाम दुआ आपसे नहीं कर रहा, ग्रीट नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि यकीन करो मेरी हालत ऐसी हुई हुई है कि मतलब कि मैं इतना एक्टिव होकर काम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं बता नहीं सकता। एल्बर्ट बोलता है कि जैसे कि बंदा थकन में आया यहाँ पर, तो ये बोलता है। अब एल्बर्ट बोलता है मुझे जल्दी से बताओ तुमने क्या तलाश किया, क्या तुम्हें कुछ पता चला, तुमने क्या नाम तुमको किसी का पता चला? तो बिशम बोलता है हाँ मैंने उस शख्स का नाम डिस्कवर कर लिया है जिसने पेपर्स में तुम्हारे बाप के अगेंस्ट आर्टिकल्स लिखे थे, पैराग्राफ लिखे थे। तो मोर्से बोलता है हाँ मेरी बेइज्जती, कौन था भाई जरा बताओ कौन था इसके विषय? तो बिशम बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पब्लिश करने के साथ साथ उस बूढ़ी औरत को भी भेजा था विटनेस के तौर पर, तो ताकि तुम्हारे बाप का गिल्ट वहां साबित हो। तो आगे से क्या होता है मेरे बच्चों, एल्बर्ट बोलता है हाँ ठीक है लेकिन कौन? तब तो विषम बोलता है तुम यकीन नहीं करोगे। तो आगे बोलता है भाई करेंगे तुम बताओ सही, कह रहा अच्छा ठीक है, कह रहा जिस बंदे को तुम मारने की बात कर रहे हो वो कौन है? वो खुद काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तुम्हारी फैमिली के साथ। ये सुनने पर मेरे बच्चों वहां पर हो जाता है एक सन्नाटा, एकदम सन्नाटा।
नाटा, क्योंकि मेरे बच्चों ऑब्वियस सी बात है वो लोग एक्सपेक्ट पता नहीं क्या करके बैठे हुए थे कि भाई कौन होगा, और निकला कौन, मोंटी क्रिस्टो, मतलब वो मोंटी क्रिस्टो जो कि अभी अभी इनके घर से गया है, अभी कुछ देर पहले इनके घर से निकल के गया है। अब इनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो एल्बर्ट क्या करता है, पहले पूछता है विषम के, विषम आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का पता है, क्या तुम पक्का कह सकते हो? तो मॉर्सर बोलता है हाँ मोंटी क्रिस्टो, मुझे तो पता था एक अच्छा बुरा मेरा 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 दुश्मन है, मैंने तो आज तक उस पर ट्रस्ट नहीं किया और मैं सही निकला। तो मॉर्सर बोलता है कि सॉरी आगे से मॉर्सर तो ये बोलता है, तो काउंटेस बोलती नहीं, काउंटेस इतनी बौखला जाती है उसको पता नहीं चलता, लेकिन कैसे क्यों किस वजह से पर मकसद क्या था उसको पता ही नहीं चल रहा था वो बोल क्या रही है। ठीक है, तो एल्बर्ट दोबारा पूछता है अपने दोस्त से कि बिशम देख लो क्या तुम वाकई में पक्का श्योर हो जिसने ये काम किया था वो यही था। ठीक है, दोबारा बोलता है, तो बिशम बोलता है हाँ भाई मैं पक्का श्योर हूँ क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ है जिस पे आपको डाउट करोगे नहीं, और कह रहे हैं कि जो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है वही तुम्हारा बंदा है। तो काउंटेस बोलती है कि हाँ बिल्कुल मोंटी क्रिस्टो जो मतलब के, लेकिन वो भी है मोंटी क्रिस्टो जिन्होंने मेरे बेटे की जान भी बचाई है, उसकी हेल्प भी करी है बहुत सारे मकाम पर ताकि वो आगे निकल जाए। तो आगे से विषम बोलता है कि वो बात अलग है, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो मुझे काम करने के लिए दिया था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि काउंटेस क्या बोली है कि काउंट मोंटी क्रिस्टो हमारी फैमिली के अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमारी मदद करी है, उन्होंने मेरे बेटे की जान नहीं बचाई है। तो विषम बोलता है देखें वो बात मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये काम नहीं किया होगा, उन्होंने विषय के काम किया होगा, लेकिन मैं आपको उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछी थी। और वो क्या बात थी, वो ये कि मतलब कि हमारे साथ गलत करने वाला कौन है, कह रहे हैं तो ये गलत करने वाले कौन है, मोंटी क्रिस्टो है। तो विषम क्या कहते हैं, अब एल्बर्ट ना डायरेक्ट बोलता है विषम को कि विषम विल यू बी माई सेकेंड, अभी थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों एल्बर्ट जो है मोंटी क्रिस्टो को बोल रहा था कि विल यू बी माय सेकंड, उसको क्या बता था कि उसने जो चैलेंज करना है तो किसको चैलेंज करना है और फिर मुलाकात किससे होनी है। सही है मेरे बच्चों, बेटा देखो यहाँ देखो जरा सारे के सारे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करते हैं विषम की, तो ये तो देखो यहाँ पे पहले क्या किया एल्बर्ट ने, पहले उसको ठीक ठाक करके प्रॉपरली तौर पे कंफर्म कर लिया कि देखो तुम बार बार मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता दो, ये नहीं करना कि तुम बीच में मतलब कि ये मत बोलना कि नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई। अब सीन ये है मेरे बच्चों कि यहाँ पर वो जब वो चैलेंज करता है ना, माई डियर एल्बर्ट डू यू नॉट मीन टू कैरी मैटर सो फार, तो बिशम हैरान होता है, बिशम समझ जाता है कि एल्बर्ट कितना सीरियस है, इसको कितना गुस्सा आ रहा है। तो ये भी पूछता है कह रहा है तुम वाकई में बात को इतना आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि एल्बर्ट जानता है कि इसका अच्छा दोस्त है। तो अब क्या होता है, तो एल्बर्ट एक बात बोलता है, जरा सुनो ये, एल्बर्ट बोलता है मैं अभी मोंटी क्रिस्टो के घर पे जाऊंगा चाहे अभी जितना भी लेट हो चुका है, और मैं वहां पर जाके उसको चैलेंज करूंगा, और जाहिर सी बात है मैं उसको चैलेंज करूंगा तो वेपन्स वो सेलेक्ट करेगा, और अगर उसने तलवारें सेलेक्ट करी जो कि मुझे बहुत हद तक यकीन है कि वो करेगा, तो मैं उसके बावजूद कल सुबह मेरी ये तलवार उसके दिल के आर पार होगी, उसको मैं जान से मार दूंगा कल जो हमारी फाइट होगी, ड्यूलिंग होगी। तो अब क्या होता है, मॉर्सर बोलता है शाबाश मेरे बेटे शाबाश, ऐसा ही करना क्योंकि ऐसा करने पर ही हमें सुकून मिलेगा। तो आगे से काउंटेस बोलती है लेकिन बेटा एल्बर्ट मेरी बात तो सुनो, तो कहता है एल्बर्ट बोलता है कि मैं बस और बात नहीं सुन सकता और नहीं रुक सकता, मुझे वहां पर जाना है, या तो वो उससे माफी मांगे जो उन्होंने काम किया है, या फिर मतलब कि मैं उनको चैलेंज करके आ रहा हूँ, बस खत्म बात। विषम को बोलता है विषम चलो मेरे साथ चलो, ये बोल के दोनों को दोनों मेरे बच्चों वहां से निकल जाते हैं। विषम पहले थोड़े लम्हे के लिए रुकता है, फिर वहां से वो भी चला जाता है। अब विषम भी चला गया, एल्बर्ट भी चला गया, तो अब घर पे कौन लोग हैं, अब घर पे है काउंट ऑफ मॉर्सेफ और काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, दोनों भैया भी मौजूद है यहाँ पर। अब काउंटेस बोलती है कि क्या तुम्हें पता है डियर हस्बैंड कि अरब में एक रिवायत है कि कभी भी अपने घर अपने मतलब कि अरब में रिवायत है कि कभी अपने दुश्मन के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो मॉर्सेफ बोलता है इसका मुझसे क्या ताल्लुक, कह रही है मेरे कुछ ताल्लुक नहीं है, बस मैं ये बता रही हूँ
कि यकीनन तुमने लाइफ में कभी ना कभी मोंटी क्रिस्टो के साथ कुछ बहुत गलत किया है, बहुत कुछ गलत किया तुमने। ये कहकर काउंटेस भी क्या होती है, मेरे बच्चों वहाँ से चली जाती है। अच्छा बेटा इसको मेरे बच्चों हम यहीं पर रोकेंगे, सही है, मैं जानता हूँ कि मैं ज़रा 5-10 मिनट पहले क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, उसका मसला नहीं है। मुझे ये बताओ पहले यहाँ तक कि बेटा इस तरह बेटा समझाने पे तुम लोगों को समझ में आ रहा है, और ये बेटा बताओ ऑल क्लियर है यहाँ तक समझाने तक, बताओ ज़रा बेटा ऑल क्लियर है यहाँ तक समझाने तक, क्योंकि मैं फिर इसी तरह समझा दूंगा भाई। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों बेटा मैं अभी सीन 2 शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने शुरू कर दिया ना तो वो फिर वो बीच में ऐसी जगह रुकेगा कि फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं जानबूझ के मेरे बच्चों सीन 2 अभी शुरुआत नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल शुरू करके ख़त्म भी कर दूंगा। सेट है? ठीक है बेटा, थोड़ा ज़रा क्लास जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ख़त्म कर रहा हूँ, ओके ना? सही है मेरे बच्चों? बेटा इंशाल्लाह कल हम इसका सीन 2 भी पढ़ लेंगे, परेशान मत हो। और बेटा आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, सही है, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।